रखना है यहाँ पर सेंटर सेंटर सर। जानना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि जो सामने लिख दीजिएगा। चलिए रेडी। जो प्रोजेक्ट का थीम है और जो डायरेक्टर सर हैं प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। अब मुझे पूछ रहे हैं ठीक है। सबसे पहले थैंक यू आप लोग सब आए यहाँ पर। एंड ये फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है इन अ वे ऑफ अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के की ब्रेवरी को ढूंढना। और ये टॉपिक अतुल जी ने मुझे बहुत टाइम पहले बताया था और मैंने तुरंत ही उसी एक ही मीटिंग में बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। एंड अतुल जी के साथ काम करने में हमेशा एक प्यारा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि वो हमेशा एक कम्फर्ट देखते हैं एक्टर का, वो और उनकी टीम। एंड जब एक एक्टर को कम्फर्ट मिलता है तो वो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत दिख जाता है एंड यू फील बेटर ऑनेस्टली। सो वो तो एक रहा है, स्पेशली प्रोड्यूसर के सपोर्ट के साथ ही ये होता है। एंड बस आई एम जस्ट वेटिंग क्योंकि ये जो एक टॉपिक है काफ़ी मॉडर्न है क्योंकि आज के जनरेशन्स को, स्पेशली पीपल ऑफ माई एज, सारे एजेस इनफैक्ट को ये देखने की ज़रूरत है कि सारी ताकत तुम्हारे अंदर है, तुमको बस इसके बारे में जानने की ज़रूरत है और जानने के बाद तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो फॉर द गुड, फॉर द बेटर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन थैंक यू टू अतुल जी फॉर ऑफरिंग मी दिस प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। एंड टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, वेरी टैलेंटेड, थैंक यू सर जी। हमारी फिल्म जो है ये 1947 में जो कुछ हुआ वो आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, किस तरीके से एक्सेशन हुआ कश्मीर का, तो वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी के कॉन्सेप्ट्स है, एक्शन है, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इन अ वे जो कि स्टोरी को आगे लेकर जाता है। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को ग्लोरीफाई या आगे एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने पहले ही शर्त रखी थी सर को कि यहाँ पर हमें ना वो थ्रिल ऑडियंस को वो यू नो बहकाने के लिए नहीं बनाना है, जो भी एक मैसेज के साथ बनाना है। तो सर ने फिर वही उसी तरीके से बनाया और इसी तरीके से डेवलप किया इस प्रोजेक्ट को। एंड लाइक ही सेड यू नो जो चीज़ पहले नहीं हुई है वो इसमें देखने को आ रही है, शायद टॉपिक फेमिलियर हो ना हो, लेकिन यस आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं भी एक अलग कैरेक्टर में हूँ इसमें। जब बात कश्मीर की होती है तो हमारे जो पहले फिल्में हमने देखी है कि भाई फौजी की लड़ाई होगी, आतंकवादी आएंगे, सुंदर कश्मीर को किस तरीके से लूटा जा रहा है, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, तो ये तो हमने देखा है। इस फिल्म में हमें खासियत क्या और खास देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जब भी लोग नाम सुनेंगे तो कश्मीर फाइल के बाद आगे क्या देखेंगे उस चीज का इंतजार होगा, तो क्या खासियत? देखिए कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उससे एक रेफरेंस आप ले रहे हैं, बाकी मेरा उससे कोई किसी तरीके का कोई तुलना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कंटेंट में कोई बराबरी नहीं है। ये तो फिल्म का नाम अपने आप में जो कह रहा है, ये कह रहा है कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। तो कश्मीर एक एनिग्मेटिक है, ये हमारा एक टेक है, ये हमारा कंक्लूजन है कि कश्मीर जो है उसको दूसरे हिंदी में कहें तो कश्मीर एक पहेली बन गया। क्यों बन गया, क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, और क्या किसी फिल्म में, किसी भी फिल्म ने इस चीज़ पर विचार किया कि कश्मीर क्या क्या से क्या हो गया? मैं रिपीटेडली उसको कहूँगा कि क्या था कश्मीर और क्या हो गया, क्या ऐसे कारण रहे जो कि आज कश्मीर की स्थिति हो गई है। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए कहानी को बुना गया है और एक नया प्रयोग इसमें किया जा रहा है, मैं आपको बताऊँ कि रियलिटी को, जो जो इतिहास है उसको फिक्शन के साथ मिक्स किया गया है। ऐसा प्रयोग किसी फिल्म में नहीं हुआ है, ये हम एक नया प्रयोग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सवाल वो मुझे समझ नहीं आया जो आपने कहा कश्मीर को लूटा जा रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसके जो इसका जो एनिग्मेटिक अप्रोच, एनिग्मा जो हो गया है, और दूसरा एक और बात मैं कहूँगा, हमें बहुत ये समझने की ज़रूरत है कश्मीर के बारे में
कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो क्या स्वर्ग की यही नियति होती है कि सब लोग उस पर आक्रमण करना चाहते हैं? इंद्र भी आक्रमण करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी आक्रमण करना चाहते हैं, उसको उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, कहीं यही तो एक वजह नहीं रही कश्मीर की आज जो स्थिति हो रही है? तो वो क्या कारण रहे हैं, हम उसके डीप में जाके वो सारे की पड़ताल करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से, और उसको समझना भी चाहते हैं कि क्या है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कश्मीर के बारे में बिल्कुल एक नई अप्रोच मिलेगी। हजारों किताबों एक मैं कह सकता हूँ आतिशयोक्ति की नहीं हो, तो कश्मीर के बारे में एक निचोड़ आपको शायद इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। मैं आप मजाक आप मानोगे नहीं, मैं जब कश्मीर हम जाते थे श्रीनगर तो लोकल ही लोग समझते थे मुझे। और हमने पुलवामा में भी शूट किया कश्मीर ने। हाँ भी हमने पुलवामा में शूट किया है, श्रीनगर हर जगह सिंथन टॉप में शूट किया है, ऐसी जगह जो आपको कभी दिखी नहीं है। ऑनेस्टली मैं मतलब करीब काफ़ी टाइम हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में, 5-10-7 साल निकल जाएंगे, लेकिन वो जगह एक जगह कर लेती तुम्हारे दिल में। तो वहाँ शूट किया था, एंड जैसे आपने पूछा कैरेक्टर के बारे में, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये कैरेक्टर एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, क्योंकि किस तरीके से कुछ लोगों को पैदा होते ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी जाती है, वो ब्रेन वॉश किए जाते हैं, और कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है इस फिल्म में। एक कहानी में, एक ज़िंदगी में राधन, और इस फिल्म में वो दिखाया जाता है। उसी को दिखाने के लिए मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हुए हैं, एंड मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि आपके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्म होने की ताकत है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अच्छा काम करती है सारी सरकार, अच्छा काम करती है, तो उसमें कुछ खास नहीं कहना है। तो काम डेवलपमेंट के काम है, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे होंगे। और मैं डेवलपमेंट पे नहीं जाना चाहता, मेरा जो है वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के लोगों की जहनीत से संबंध है, क्योंकि सिनेमा जो है वो सरकारों के कामकाज का लेखा जोखा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार क्या कर रही है, उसके लिए आप लोग पत्रकारिता का, पत्रकार लोगों का काम वो है, सिनेमा का काम सरकारों का लेखा जोखा करना या सरकारों की के बारे में बात करना या सरकारों के एजेंडे को सिनेमा में लेके आना, बिल्कुल भी वो काम हमारा नहीं है। हम उसमें नहीं करते, हम तो संस्कृति में काम करने वाले लोग हैं, कला के लोग हैं, हम उस दृष्टि से सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं। और हमारा जो अप्रोच है वो बहुत डीप है, सरकारों का जो अप्रोच होता है वो बहुत समय सापेक्ष होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। सरप्राइज ही तो आप ऐसे ये आप जो हैं, ये थोड़ा मुश्किल इंटेंस सीन है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी। मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड के कम से कम 30 ऐसे बहुत सेलिब्रिटी लोग इसमें काम कर रहे हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग यहाँ दर्शील सफारी हैं, रामगोपाल बजाज हैं, विनीत शर्मा हैं, इनका एक सीक्वेंस है, वो हम शूट कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि बहुत सारी ऐसी रियलिटी है जो आपने फील करी है और अब लोगों को अपने किरदार के जरिए बताएंगे, तो एक आध चीज काश्मीर का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में आता है? नेचर और कुछ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं पिछले महीने गया था वहाँ पर, डल लेक में हमारा शूटिंग था, मैं कोई और फिल्म कर रहा था, और वहाँ पर शिकारा में बैठे थे हम, और मेरी अब पता है वो सीटिंग पर बैठना होता है, मैं नाव के एंड पर जाकर बैठ गया था, और मैंने बस अपनी आंखें बंद की, क्योंकि वहाँ पर ऐसा पता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इंडिया में हो या तुम कहाँ पर हो। तुम जैसे सर ने कहा स्वर्ग है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सबसे करीब अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो आप कश्मीर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर, वो मेरे लिए हमेशा एक प्यार, देखो स्माइल ही नहीं जा रही मेरे मुंह से, क्योंकि मैं सोचता हूँ उस जगह के बारे में, एंड देखते हैं अभी और फ्यूचर में, ये मेरी दूसरी फिल्म है वहाँ पर, सो या होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। और ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, कश्मीर बैकग्राउंड है फिल्म का,
तो जैसा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे देखा है वर्दी में, 90% कॉल मुझे वर्दी के ही आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, नेवी हो, कस्टम हो, तो मुझे भी मज़ा आता है करने में। लोगों का इतना ट्रस्ट, फेथ होना मेरे डायरेक्टर्स का, मेरे फ़ैन तो है ही खैर जो मुझे पसंद करते हैं हमेशा वर्दी में, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पूरी जस्टिस करूं उसके साथ। सो इसके साथ भी मैं वही जस्टिस करने की कोशिश करूँगा। सो नहीं, मुझे अभी ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, बिकॉज मैं अभी फर्स्ट शेड्यूल में ही जुड़ा हूँ, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हूँ। हाँ, बाकी आर्टिस्टों को लेकर यार बहुत बढ़िया ना, वो बहुत ही सादे और बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल और बहुत ही साफ दिल के इंसान है, जो मैंने मेरी फर्स्ट मीटिंग में जो मुझे एहसास हुआ। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव इन माई लाइफ, मैं उन्होंने मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग दी, डायरेक्ट कास्ट किया मेरे को विदाउट एनी लुक टेस्ट एंड ऑल, तो मैं ये ब्लेसिंग ही कहूँगा। या मेरी केमिस्ट्री अभी हुई नहीं उनके साथ, लेकिन दर्शील का मैंने काम पहले भी देखा है, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बहुत ही नेचुरल एक्टर है, जो कि एक होना चाहिए, लेकिन एट सच अ यंग एज उन लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं जो हमारे मतलब बियॉन्ड उसके है इमेजिनेशन, बिकॉज हम लोग शायद उस उम्र में इतने तैयार नहीं थे जितना कि ये आजकल की जनरेशन है। ही इज़ वेरी गुड यार, उसका काम पहले भी मैंने देखा है, तो मतलब आई एम हैप्पी लाइक यू नो आई एम वर्किंग विद हिम, मेरे लिए भी उतना ही मतलब सौभाग्य की बात है कि मुझे उसके साथ काम करने को मिल रहा है। हर कोई चाहता है, मानता है कि भाई सौभाग्य मिले मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूं, पुलिस इंस्पेक्टर बनूं, आपको तो अपने आप ही रोज हर एक वर्दी सारे ही सपने पूरे हो रहे हैं आपके, जब वर्दी पहनी जाती है तो एक अलग सी फील आती है उन ऑफिसरों में, आप कैसा फील? नहीं, एब्सोल्युटली राइट एज यू सेड के वर्दी डालते एक जिम्मेदारी भी आती है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज आता है अंदर व्हेन यू वेयर इट, एंड उसी के हिसाब से आपकी वॉक, बोलने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं जब डालता हूँ तो मुझे इसका मतलब अनुभव भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उतनी ही आपकी बढ़ जाती है। वर्दी डालना इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपने वर्दी डाल ली और कर लिया, एज एन एक्टर ऑल्सो तो आपको वो पूरी जिम्मेदारी से उस कैरेक्टर को भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्दी में उस रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उनके करीब जाना भी मतलब इट्स नॉट ईजी एज एन एक्टर फॉर मी, बट मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं बेस्ट दे सकूँ अपना, जितना रियल हो सकूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ, और वो एक्सेप्टेंस मुझे ऑडियंस से पता लगती है जब मेरी परफॉर्मेंस को वो लोग सराहते हैं वहाँ काम देख कर कि आप बहुत ही रियल कॉप लगे या रियल आर्मी ऑफिसर लगे, तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनसे मिलना मेरे लिए उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। हर किसी की नज़र में कश्मीर अपना ही एक अलग मुद्दा होता है, अभी स्पेशली आप इस फिल्म में हैं और हमने देखा कि आप दौड़ रहे थे, गोलियां चला रहे थे, भाग रहे थे अपनी टीम के साथ, राइट, कश्मीर के ही आतंकवादियों को शायद ठिकाने लगा रहे हो, राइट, आपकी नज़र में कश्मीर क्या है, अगर आप एक कुछ कहना चाहें कश्मीर से जब भी आता है तो सबसे पहले क्या? मेरे लिए तो कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, हमारी इंडिया का मतलब एक बहुत ही प्यारा सेट है, एंड मतलब हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लाइक एंड अगर आप लोग सिर्फ कश्मीर को एक्सप्लोर कर लो आई थिंक यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर आउटसाइड यूरोप एंड ऑल, लाइक यू नो हमारे इंडिया में इतनी सब कुछ, इतनी खूबसूरती है, कश्मीर इज़ वन ऑफ देम लाइक। और मेरी पहली फिल्म सौभाग्य से मुझे मिशन कश्मीर जो मैंने विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ की थी, संजय दत्त मेरे को एक्टर थे उनके साथ, उसमें ही वर्दी में था मैं, पुलिस, हालांकि मैं जम्मू पुलिस प्ले कर रहा था वहाँ, एंड नाउ आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, सो समवेयर सम ब्लेसिंग इज देयर, मुझे ऐसा लगता है मेरे बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग है उसके पीछे, एंड आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लाइक यू नो गोइंग टू कश्मीर, मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। डल लेक में मैंने शूट किया था जब वहाँ कर्फ्यू लगा होता था, तो अभी थिंग्स हैव चेंज थैंक्स टू मोदी जी फॉर दैट, तो नहीं तो शायद वो हालात नहीं होते जो पहले थे। आज तो बहुत ही मतलब आसानी से आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कश्मीर को, सो इतने बड़ा, इससे बड़ा ब्लेसिंग हो नहीं सकता हम लोगों के लिए शायद एज एन ऑडियंस, लाइक यू नो हम लोग जाते हैं कि भाई हमें एक्सप्लोर करना है प्लेसेस, हम डरते थे पहले जाने को वहाँ, इतना कर्फ्यू होता था, बट अब वैसी स्थिति रही नहीं। थैंक यू।